गाइस, फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। नेहा आजकल रेसिपी कम और यूरोप ज़्यादा घूम रही है, और आज मैं आपको इसीलिए दिखाने वाली हूँ इटली का एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर जो है वेनिस। वेनिस जो है ये पूरा पानी के ऊपर है, तो यहाँ जो है गंडोला और कैनाल्स देखने लायक है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ सेंट मार्क स्क्वायर में। तो यहाँ आप कैसे आ सकते हैं और अपना ट्रिप बजट में कैसे कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो सारे डिटेल्स जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं एक खूबसूरत सा शहर वेनिस। तो वेनिस से सबसे पास का एयरपोर्ट है मार्को पोलो, जो कि वेनिस से सिर्फ 13 किलोमीटर ही दूर है। तो एयरपोर्ट से वेनिस जाने के दो तरीके हैं, बाय बस और बाय बोट। बस के लिए आपको ATVO बस या ACTV बस मिल सकती है। बोट के लिए आप वाटर टैक्सी या वाटर बस ले सकते हैं। तो एयरपोर्ट से निकलते ही आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो अगर आप वाटर बस ले रहे हैं और अगर आपका होटल ब्लू लाइन या ऑरेंज लाइन में आता है तो आप वहां पर उतर सकते हैं। इसके लिए आपको 15 यूरोस पर पर्सन देना पड़ेगा। तो हम गए थे ATVO से। तो इन सारे डेस्टिनेशन के लिए आपको इसकी अलग अलग बसेस मिलेंगी। तो ACTV जो बस होती है वो यहाँ की पब्लिक बस है, पर ये काफ़ी रुकते हुए जाती है, और अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो आप ये बस अवॉइड करें। तो आपको यहाँ टिकट काउंटर आसानी से मिल जाएगा। तो हमने ATVO बस के लिए दिया 8 यूरो, जो हर 30 मिनट्स में होती है, और बच्चों के लिए है 4 यूरोस। अगर आपका बजट ज़्यादा है और आप प्राइवेट टैक्सी करना चाहते हैं तो उसके भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो एयरपोर्ट से निकलते ही राइट हैंड साइड में है ATVO का बस स्टॉप। तो आप टिकट लेते वक्त ये पूछ सकते हैं कि कौन से बस स्टॉप से आपको वेनिस के लिए बस मिलेगी। और हम लक्की थे कि बाहर निकलते ही हमें हमारी जो बस है वो खड़ी हुई मिली। तो टिकट लेते वक्त ही हमने रिटर्न की भी टिकट साथ में ले ली थी, पर बस बोर्ड करते वक्त आप अपनी जो टिकट है वो वैलिडेट करना ना भूलें। और मैं आपको ACTV बस के बारे में बता रही थी ना, तो ये है ACTV बस, और मैंने इसी वजह से कहा था कि आप इसमें ज़्यादा लगेज लेकर ना जाएं। तो यूजुअली ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट की बस होती है वो चीप होती है, बट यहाँ थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ प्राइवेट बस और गवर्नमेंट बस के जो कॉस्ट है वो बिल्कुल सेम है, और ये जो प्राइवेट बस है ये आपको डायरेक्ट वेनिस तक लेके जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो बस के दोनों साइड हम जो है सी से गुजर रहे हैं इस वक्त, और पहुंच गए हैं हम यहाँ के सबसे बड़े बस स्टॉप में। यहाँ से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में ही हमारा होटल था। अगर आप वेनिस मिलान से आ रहे हैं या फिर वेनिस से मिलान जाना है तो इसके पास ट्रेन स्टेशन भी है जहाँ से आप मिलान जा सकते हैं। तो होटल में रात में सोते वक्त आप ये याद रखिएगा कि आप सारे विंडोज यहाँ क्लोज करके सोएं, क्योंकि यहाँ काफ़ी मॉस्किटोज होते हैं पानी की वजह से। अच्छा, यहाँ आपको वेनिस एंट्री के लिए इसका एंट्री टैक्स भी होटल चार्जेस के साथ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जल्दी उठकर हम रेडी हो गए और हम निकल पड़े हैं बुरानो के लिए, जो कि वेनिस से लगकर ही एक छोटा सा आइलैंड है। तो वेनिस में पूरा घूमने के लिए और इसके आसपास के आइलैंड घूमने के लिए भी हमने ले लिया था ACTV वाटर बस का पास, जिसमें एक दिन का था 21 यूरो और 48 आवर्स का था 30 यूरो। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो ये आवर्स हैं ये मिडनाइट से स्टार्ट होते हैं, ना कि आपने जब फर्स्ट टाइम अपना कार्ड पंच किया। तो ये बात याद रखिएगा। तो इस पास में एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट अलाउ नहीं होता है, ये आपको सेपरेट ही लेना पड़ेगा, और हमने लिया था 48 आवर्स का पास। तो ये जो है ये वेनिस का है ग्रैंड कैनाल। तो यहाँ बहुत सारे आपको प्राइवेट बोट्स भी दिखेंगे, ब्रिजेस दिखेंगे। एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ये, एक ऐसी सिटी जहाँ आपको रोड्स दिखेंगे ही नहीं, और ये पूरी जो सिटी है ये देखिए किस तरीके से पानी के ऊपर है। तो बुरानो जाने के लिए हमें यहाँ से एक और वाटर बस चेंज करना पड़ेगा।
तो हम डायरेक्ट जा रहे हैं बुरानो, ना कि मुरानो। मोस्टली लोग वेनिस से मुरानो जाते हैं। मुरानो और बुरानो दोनों आवाज़ जो नाम है सेम लगता है, बस एम और बी का डिफरेंस है। तो हम बुरानो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मोस्टली लोग मुरानो जाते हैं तो वहाँ बहुत लंबी क्यू लगी होती है, तो डायरेक्ट बुरानो जाएंगे और बुरानो से रिटर्न में हम मुरानो उतरेंगे। तो चलिए देखते हैं बुरानो में देखने के लिए हमें क्या मिलता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आप अपने साथ अम्ब्रेला, हैट और वाटर बॉटल रखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बुरानो। तो यहाँ से बुरानो सिर्फ फोर्थ स्टॉपेज ही था और करीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद हम पहुंच चुके हैं बुरानो। तो यहाँ देख सकते हैं आप काफी टूरिस्ट हैं, बस आप सीधा सीधा चलते जाएं या फिर जहाँ टूरिस्ट जा रहे हैं वहीं चलते जाएं और आपको देखने को मिलेंगे खूबसूरत कलरफुल घर। तो पूरी दुनिया से लोग बुरानो देखने क्यों आते हैं? वो आते हैं सिर्फ और सिर्फ ये कलरफुल घर देखने के लिए और फोटोग्राफ्स खिंचाने के लिए। यहाँ पर आपको ढेरों भीड़ मिलेगी कलरफुल फोटोज खिंचाने के लिए, तो आप ये मौका बिल्कुल अपने ट्रिप में छोड़िएगा मत। चलिए देखते हैं बुरानो। तो बुरानो में ये जो घर है ये इतने कलरफुल इसलिए हैं ताकि जो फिशरमैन हैं, मछुआरे, वो जब शाम में अपने घर आए तो उनको अपना घर आसानी से समझ में आ जाए। और आप ये जो घर है ये अपनी मर्जी से कलर नहीं कर सकते हैं, काउंसिल से आपको इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद ही आप अपने घर को कलर दे सकते हैं। तो है ना अमेजिंग? तो देखिए इतने खूबसूरत कलरफुल घर। और यहाँ पर आपको मुरानो के ग्लास फैक्ट्री की भी कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से हम मुरानो ही जाने वाले हैं, बट यहाँ मेरे बच्चे को ये कलरफुल जो टॉफीज हैं ये बहुत पसंद आई और उसको अपने फ्रेंड्स को ये सारे देने थे, कुछ अपने सिस्टर को भी देना था, तो उसने तो यहाँ बहुत सारी टॉफीज खरीदी। बट हाँ, आप ये खा नहीं सकते। तो यहाँ मुझे जो पसंद आया वो थे ये हार्ट शेप के छोटे छोटे ग्लास के लॉकेट्स, तो आप यहाँ पर भी शॉपिंग कर सकते हैं। खाने के यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप यहाँ पर सी फूड खा सकते हैं। अगर आप मेरे जैसे वेजिटेरियन हैं तो आपको यहाँ पिज़्ज़ा या फिर सैंडविच मिल जाएगी। इस वक्त मेरे बच्चे को बहुत गर्मी लगी थी और उसे खाना था आइसक्रीम, और हमने तो मार्गरेटा पिज़्ज़ा से ही अपना काम चला लिया। तो बुरानो आने के पहले मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ का जो ये क्रोशिया आर्ट है ये काफ़ी फेमस है। बचपन में मैं मम्मी को देखा करती थी ये सारे हाथ से बनाते हुए। आप देख सकते हैं बहुत ही डेलिकेटेड डिजाइन्स हैं यहाँ पर क्रोशिया से बने हुए। तो आगे चलते चलते हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं एक स्क्वायर पे। तो ये स्क्वायर के पास ही क्रोशिया का म्यूजियम है। सोचिए आप कि आप यहाँ पर म्यूजियम देख सकते हैं जो कि है क्रोशिया से रिलेटेड। तो जब हम पहुंचे तो ये क्रोशिया का म्यूजियम जो है ये बंद हो चुका था। तो बुरानो में बहुत 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 सारे फोटोग्राफ्स खिंचाने के बाद हम अब चल पड़े हैं मुरानो के लिए। तो अगर आप किसी टूर के थ्रू आ रहे हैं तो वो आपको मुरानो ज़रूर आएंगे। उनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छी जगह है क्योंकि उनके शॉप वालों के साथ कमीशंस भी होते हैं। हमें उन सब चक्कर में नहीं पड़ना था, हमें खुद ही देखना था कि वर्ल्ड की फाइनेस्ट ग्लास फैक्ट्री और ग्लास से बने हुए आइटम आखिर होते कैसे हैं। ये वर्ल्ड की फाइनेस्ट ग्लास तो है ही, साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं। तो वेनिस के पब्लिक टैप में ड्रिंकिंग वाटर ही आता है, तो आप यहाँ का पानी बिना डरे पी सकते हैं। तो ये था हमारा मुरानो का बस स्टॉप, और यहाँ से मतलब बस स्टॉप से निकल कर हमने लिया राइट टर्न और अब हम जा रहे हैं एक ग्लास फैक्ट्री देखने के लिए कि ग्लास से आखिर आइटम्स कैसे बनते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ बिल्कुल भी रश नहीं है और इसी वजह से हम यहाँ पहले नहीं आए। तो ये जो एंट्री फीस है ये कैश में लेते हैं, इसीलिए इन्होंने एटीएम भी रखा हुआ है ताकि आप कैश निकाल सकें। और आप जब भी सोचें कि इंस्टा के लिए आपको फोटो खिंचाना है, वहाँ आपको कोई ना कोई तो जरूर दिखेगा। चलिए फोटो बाद में ले लेंगे। तो ये है इस ग्लास फैक्ट्री का नाम, आप गूगल करके यहाँ तक आ सकते हैं। वैसे ये स्ट्रेट था जो रोड से हम पहले आ रहे थे वहाँ से, तो वो था वाटर बस का स्टॉप और वहां से हम यहाँ सीधा आ गए। तो यहाँ की जो एंट्री फीस है वो है 10 यूरोस,
तो हमें लगा 20 यूरोस और आप उतनी की ही शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि आप एंट्री फीस दिए और आप उतने की शॉपिंग भी कर सकते हैं। और आप ये ब्यूटीफुल ब्लू झूमर देख रहे हैं, इसका प्राइस था 20 लाख रुपीस। तो यहाँ पर इन्होंने हमें बताया कि कैसे ये ग्लास से सारे आइटम्स बनते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी और मेरे बच्चे के लिए भी। तो इसका एक पूरा डिटेल में वीडियो है जो मैं आप मेरे अगले वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं उसे ऐड करूंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो मुरौना में जो ग्लास का बिजनेस है ये स्टार्ट हुआ था 15th सेंचुरी में। पहले ये एज ए करेंसी भी यूज होती थी और इसे वर्ल्ड की सबसे फाइनेस्ट एंड ग्लॉसी ग्लास का दर्जा दिया गया है, इसलिए ये इतनी एक्सपेंसिव है। तो फैक्ट्री के साथ ही इनका ग्लास का शॉप भी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं इतने डेलिकेटेड जो ग्लास के आइटम्स हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। तो बचपन में मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ जाती थी और उनके घर में एक छोटा सा हॉर्स था ग्लास का, और वो आंटी बोलती थी कि बेटा इसे छूना मत, ये मुरौनों का है। तब शायद मुझे पता भी नहीं था कि ये मुरौनों है कहाँ, और अब मुझे समझा कि आंटी ऐसा क्यों बोलती थी कि इसे टच नहीं करना, क्योंकि वो शायद डरती होंगी कि अगर ये टूट गया तो फिर गया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटेड होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो मैं सोच रही थी कि जो 20 यूरोज हमको मिले हैं बोनस के, हमारी टिकट के, उसका मैं क्या लूँ। तो यहाँ 20 यूरोज में थे छोटे छोटे आइटम्स, इयररिंग एंड पेंडेंट, तो आप अपना पैसा भी थोड़ा सा डाल के और अच्छी चीज़ें भी ले सकते हैं। मेरा बेटा एक्वेरियम देखने में बहुत ही बिजी था, ग्लास के यहाँ पर चेस बोर्ड हैं। तो मैंने 30 यूरोज का लिया एक ब्रेसलेट। मुरौनों की एक याद तो रहेगी लाइफ में कि हम कभी मुरौनों भी गए थे। तो मुरौनों की फाइनेस्ट ग्लास देखने के बाद हम चल पड़े हैं वेनिस सिटी की तरफ। और वेनिस की गलियां जो कभी खत्म होती ही नहीं है। तो वेनिस में काफी जगह से गंडोला स्टार्ट होता है जो 30 मिनट राइड की लेते हैं 80 यूरोस और नाइट में 100 यूरोस। तो वेनिस की गलियों में मुरौनों ग्लास के नाम से काफी चीजें बेची जाती हैं, बट आप बच के रहिएगा क्योंकि ये होती हैं मेड इन चाइना। चलते चलते मुझे मेरा फेवरेट मिल गया था खाने के लिए, टेरामसू। अच्छा है, थोड़ा सा कॉफी का फ्लेवर है और पिस्ता का, बट नाइस क्रीमी। और चलते हुए हम आ गए यहाँ सेंट मार्क स्क्वायर में। तो जब हम यहाँ पहुंचे, यहाँ काफी शाम हो चुकी थी और जो चर्च है और जो पैलेस है वो बंद हो चुका था। हम काफी ज्यादा थक भी गए थे, तो हमने सोचा कि हम यहाँ से रियाल्टो ब्रिज चलते हैं। और चलते चलते हमने यहाँ पर एक वेडिंग शूटिंग भी देखी, तो लोग यहाँ पर प्रॉपर प्रोफेशनल फोटो शूट कराने भी आते हैं। तो हमने सोचा कि हम नेक्स्ट डे यहाँ फिर से आएंगे ताकि हम चर्च और ये पैलेस घूम सकें। अच्छा, यहाँ से पास में ही एक बीच है लीडो जो आप जा सकते हैं। गर्मी की वजह से हमने वो आइडिया ड्रॉप किया। तो सेंट मार्क स्क्वायर से जो रियाल्टो ब्रिज है ये 10 मिनट का ही वॉक है, तो हमने सोचा कि डायरेक्टली वहीं चलते हैं और डिनर कर अपने होटल। और वेनिस की गलियों में घूमते घूमते हम पहुंच चुके थे रियाल्टो ब्रिज। तो ये जो ब्रिज है ये 16th सेंचुरी में बनाया गया और ये वेनिस के सबसे पुराने ब्रिज में से एक है। तो यहाँ आपको खाने के काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो जब तक हम इटली में थे हमने यहाँ का पिज्जा और पास्ता ही टेस्ट किया। तो वेनिस के काफी सारे रेस्टोरेंट में वो कवर चार्जेस चार्ज करते हैं, तो आप उनसे कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या उनके रेस्टोरेंट में वो कवर चार्जेस चार्ज करते हैं। तो ब्रिज के ऊपर से वेनिस का नजारा देखने लायक है, बट आपको यहाँ फोटोग्राफ्स खिंचाने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा रश रहता है। तो डिनर करने में हमें लेट हो गया और उसके बाद जब हमने देखा तो यहाँ पर जो वाटर बस थी उसमें बहुत ज्यादा रश था। हमें कुछ
30 मिनट टू 40 मिनट वेट करना पड़ा। तो वेनिस में आज पहला दिन तो हमारा बहुत अच्छे से गया, कल का दिन कैसा होता है ये देखेंगे आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो वेनिस व्लॉग का सेकंड पार्ट आप देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप चर्च और ये पैलेस कैसे घूम सकते हैं और आपको इसके घूमने के क्या चार्जेस लगेंगे। तो चलिए जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।